नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इस केस में रिया से पुलिस और ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वहीं इसी बीच स्वरा भास्कर रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने रिया का सपोर्ट करते हुए कहा है कि रिया एक अजीबोगरीब और खतरनाक मीडिया ट्रायल का शिकार हो रही है, जिसकी अगुवाई एक भीड़ तंत्र से हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान देगी और फर्जी न्यूज फैलाने वालों और साजिशों की कहानियां बनाने वालों पर रोक लगेगी। कानून को तय करने दीजिए। स्वरा के ट्वीट करने की बस देरी थी कि लोगों ने स्वरा को ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि क्या आप सुशांत के परिवार के दर्द की कल्पना कर सकती हैं? क्या आप उन लाखों लोगों के दर्द की कल्पना कर सकती हैं जो सुशांत के लिए न्याय की तलाश कर रहे हैं? क्या आपको भी पता है कि सुशांत के परिवार और सुशांत के साथ रिया ने क्या किया? अगर मीडिया सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? इसके बाद अगले यूजर का कहना है कि आपने जो भी संघर्ष किया है वो बेकार है। एक अभिनेत्री के रूप में आपको प्यार करने के बजाय लोग आपकी सोच के लिए आपसे नफरत करते हैं। ये सिर्फ इन ट्रोल्स की बात नहीं है, आपको सिर्फ अपने बॉलीवुड दोस्तों से ही प्यार है, अफसोस की बात है। वहीं एक और यूजर ने स्वरा को लताड़ते हुए वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की तारीफ की, जिन्होंने सुशांत मामले में लगातार अपनी आवाज बुलंद की। यूजर ने लिखा कि स्वरा को कोई मारो यार, जो सुशांत के हथियारों के लिए समर्थन दिखा रही है। स्वरा कल्प्रिट है और अर्नब हीरो है। आप देख सकते हैं कि स्वरा पर किस कदर गालियों की बौछार हो रही है। बताते चले कि बीते दिन खुद रिया ने भी मीडिया ट्रायल का हवाला देते हुए खुद को बचाने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। पूरा देश इस वक्त रिया चक्रवर्ती को घेरने में लगा है, वहीं स्वरा भास्कर की गंगा हमेशा उल्टी ही बहती है। बार बार ट्रोल होकर भी स्वरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।